सोने पर जक़ात अगर सोना साढ़े सात तोले ये मसला आप तो सुनिएगा ये किसी के पास मौजूद है अकेला सोना है भी सोना और है साढ़े सात तोले यानी एट्टी सेवन पॉइंट फोर्टी एट ग्राम सोना साढ़े सात तोले अगर है तो ये है निसाब का सोना ये क्या है निसाब। तो जब तक साढ़े सात तोले सोना नहीं होगा जकत लाजिम नहीं होगी अगर फकत सोना है अगर फकत सोना है और अगर सोने के साथ कोई और माले है, सोने के साथ कोई और माले है, माले जकत में बोल रहा हूं क्योंकि हर माल नहीं अब किसी के पास तीन तोले सोना है। और इसके साथ उसके पास चांदी नहीं उसके पास करेंसी रकम कैश नहीं प्राइस बॉन्ड नहीं माल तिजारत नहीं तो जक़ात लाजिम भी नहीं फिर जक़ात लाजिम भी उस पर नहीं अगर सिर्फ सोना है और अगर किसी के पास सोने के साथ साथ दूसरा माले जकत मौजूद है यानी उसके पास कुछ चांदी है करंसी है माल तजारत है तो फिर इन दोनों माल को आपस में मिला लिया जाएगा अगर सिर्फ सोना है अगर सिर्फ सोना है तो वो साढ़े सात तोले चांदी है तो वो साढ़े बावन तोले सोना है तो साढ़े सात तोले चांदी है तो साढ़े बावन तोले ये जब दोनों अलग अलग हों फिर इनका अपना निसाब होना जरूरी है लेकिन अगर अमवाले जक़ात में से दो चीजें या तीन चीजें या चार चीजें दो से जो जो भी हों यानी अकेली नहीं है दो हुई तीन हुई चार हुई यानी कुछ सोना कुछ चांदी या कुछ सोना कुछ कैश प्राइस बॉन्ड ये जमा हो जाएं, तो फिर सोने का निसाब नहीं देखेंगे दोनों को मिला देंगे अब साढ़े बावन तोले चांदी की रकम को देखेंगे बात समझ में आ रही है बस साढ़े सात तोले सोना अगर हम इस दौर में देखें तो वो रकम सोलह लाख से अबव अब जा रही है लेकिन चांदी के एतबार से देखें तो वो एक लाख तीस हजार के करीब करीब ये निसाब बन जाता है आपस में तो अब जो जो भी निसाब पूरा हो जाए सोना चांदी मिक्स करके सोना कैश मिक्स करके या इस तरह की जो भी चीज होगी तो फिर हम साढ़े बावन तोले चांदी के अमाउंट देखेंगे फिर अलग अलग दोनों का निसाब नहीं देखा जाएगा ये मसला समझना बहुत अहम जरूरी है इसलिए कई ऐसी खवतिन होती बहनें होती उनके पास दो तोले तीन तोले चार तोले ये सोना मौजूद है अच्छा ये उनके पास सोना है और फिर कुछ ना कुछ कैश भी होता है तो वो ये समझती हैं कि शायद साढ़े सात तोले नहीं है तो इसलिए हमारे ऊपर जकत भी नहीं है ऐसा नहीं है साढ़े सात तोले नहीं है तो आप पर जकत तो अब लाजिम आएगी क्योंकि आपके आपके पास पास कैश मौजूद है है हाजिर से जायद जो भी आपके रकम इस तरह की तो ये माले ही है। तो ही दो वाले जकत में से कोई चीज जमा होगी तो दोनों को मिलाकर साढ़े बावन तोले चांदी के बराबर अब उस रकम को उस कीमत को देखा जाएगा तो यूं ये निसाब पूरा हो जाएगा